चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जरूरी खबरों के साथ हम हाजिर हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे और लगातार न्यूज 18 इंडिया सबसे भरोसेमंद चैनल बना हुआ है, जिसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां एक बार फिर से पाकिस्तान की डर्टी पॉलिटिक्स की तस्वीरें बदलने वाली हैं। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि पाकिस्तान में एक बार फिर एक जनरल का निजाम आने वाला है, और जिस शख्स ने इस मास्टर प्लान की बुनियाद रखी है वही शख्स अपने मास्टर प्लान को अमल में लाने की जमीन भी तैयार कर चुका है। हैरानी तो इस बात की हो रही है कि इस मास्टर प्लान को अमेरिका का समर्थन भी हासिल है। दरअसल 29 नवंबर को जनरल बाजवा रिटायर होने वाले हैं और मार्च 2023 में पाकिस्तान में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। यानी पाकिस्तान की सियासत में जो तूफान आने वाला है वो इन 3 महीनों के अंदर ही आएगा। इसके अलावा पाकिस्तान की राजनीति में जो समीकरण बन रहे हैं उन्हें देखते हुए ये लग रहा है कि पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है। 2 अक्टूबर 2022 को जनरल बाजवा ने अमेरिका का दौरा किया था। खबर के मुताबिक वो अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन के निमंत्रण पर अमेरिका गए थे। पाकिस्तान मिलिट्री के सूत्रों के मुताबिक ये उनका एक रूटीन विजिट था, लेकिन उनके इस दौरे का एजेंडा क्या था ये राज रखा गया था। लेकिन उन्होंने अपने दौरे के दौरान ये ऐलान किया था कि वो अब अपने कार्यकाल पूरा होने पर बतौर पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पद छोड़ देंगे। इसके अलावा अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान जनरल बाजवा ने पेंटागन के अधिकारियों के साथ पाकिस्तान के मौजूदा राजनीतिक हालात और फौज की रणनीति पर भी बातचीत की थी। लेकिन न्यूज 18 इंडिया को खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जनरल बाजवा का अमरीकी दौरे का मकसद कुछ और ही था। अपने प्लान के मुताबिक जनरल बाजवा अपने रिटायरमेंट के पहले अपने पसंदीदा लेफ्टिनेंट जनरल को पाकिस्तानी फौज का नया जनरल बनवाना चाहते हैं, और उनके इस प्लान के पीछे भी उनका एक बड़ा मकसद छिपा हुआ है। तो ये वही पाकिस्तान है जिसकी सियासत में वक्त वक्त पर इसी तरह का सियासी तूफान आता रहता है। अब आपको जानकारी देते हैं कि पाकिस्तान आर्मी के चीफ बनने की रेस में शामिल आखिर 4 नाम कौन कौन से हैं। फिलहाल ये बताया जा रहा है कि सेना प्रमुख बनने की रेस में बाजवा के करीबी आगे हैं, जिनमें सबसे आगे हैं लेफ्टिनेंट जनरल साहिल शमशेर मिर्जा और लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास के नाम शामिल हैं। आइए अब आपको ये बताते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी के चीफ बनने की रेस में शामिल आखिर ये चारों हैं कौन। न्यूज 18 इंडिया को खुफिया सूत्रों से मिली सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इनमें पहला नाम है लेफ्टिनेंट जनरल साहिल शमशेर मिर्जा का। लेफ्टिनेंट जनरल साहिल शमशेर मिर्जा सिंध रेजिमेंट से हैं। वो 2015 से अक्टूबर 2018 तक पाकिस्तानी फौज के डीजीएमओ रह चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल साहिल शमशेर मिर्जा 40th इन्फेंट्री डिवीजन के डिवीजनल जेसीओ भी रह चुके हैं। इतना ही नहीं, लेफ्टिनेंट जनरल साहिल शमशेर मिर्जा के मिलिट्री इंटेलिजेंस और राजनेताओं से अच्छे संबंध हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा की लिस्ट में दूसरा नाम लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास का है। लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास बलूच रेजिमेंट से हैं। वो पाकिस्तान की सेना के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ भी रह चुके हैं। इसके साथ वो 10 कोर कमांडर भी रहे हैं। 12वीं इन्फेंट्री डिवीजन के जेसीओ रहते हुए उन्होंने भारतीय फौजियों के खिलाफ माछिल और पुंछ सेक्टर में बैट बटालियन के 2 मिशन कराए थे। इसके अलावा उन्होंने बड़े पैमाने पर भारतीय सीमा में घुसपैठ भी कराई है। लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास नवंबर 2013 से नवंबर 2016 तक पूर्व पाकिस्तानी जनरल राहिल शरीफ के पर्सनल सेक्रेटरी भी तैनात रहे हैं। लेकिन उनका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है कि वो शिया मुस्लिम है और आज तक कोई शिया मुस्लिम पाकिस्तानी फौज का चीफ नहीं बना है।
अब बताया ये जा रहा है कि जनरल बाजवा अमेरिका की तर्ज पर पाकिस्तान में प्रेसिडेंट रूल सिस्टम लाना चाहते हैं और बतौर पाकिस्तान के राष्ट्रपति वो पाकिस्तान के विदेश मामले और पाकिस्तानी फौज को अपने हाथ में ही रखेंगे, जिसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पास सिर्फ देश की आंतरिक सुरक्षा की ही कमान रह जाएगी। जनरल कमर जावेद बाजवा की लिस्ट में तीसरा नाम लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद रजा का है। लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद रजा भी पलूच रेजिमेंट से हैं। फिलहाल वो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट हैं। लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद रजा आईएसआई के डीजी इंटेलिजेंस और एनालिसिस का कार्यभार भी संभाल चुके हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा की लिस्ट में चौथा और आखिरी नाम लेफ्टिनेंट जनरल फैज अहमद का है। लेफ्टिनेंट जनरल फैज अहमद भी बलूच रेजिमेंट से हैं। फिलहाल वो बहावलपुर कोर कमांडर हैं। लेफ्टिनेंट जनरल फैज अहमद जून 2019 से अक्टूबर 2021 तक आईएसआई के डीजी का कार्यभार भी संभाल चुके हैं। इसके अलावा ये 16 इन्फेंट्री डिवीजन के जेसीओ के साथ साथ 10 कोर कमांडर भी रह चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल फैज अहमद के जनरल बाजवा के साथ बेहतरीन संबंध बताए जाते हैं। इतना ही नहीं, अफगानिस्तान में इनका बेहद महत्वपूर्ण रोल रहा है। पाकिस्तान की टीटीपी यानी तहरीक तालिबान से भी इनके काफी अच्छे संबंध हैं। न्यूज 18 इंडिया को खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जनरल बाजवा नया राष्ट्रपति बनने के बाद पाकिस्तान की सियासत में भी बड़ा फेरबदल करने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक जनरल बाजवा राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका की तर्ज पर पाकिस्तान में शासन करेंगे, यानी वो पाकिस्तान की पूरी लगाम अपने हाथ में रखेंगे और वहां पर प्रधानमंत्री का पद महज दिखावे का रह जाएगा। न्यूज 18 इंडिया को खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा अमेरिका की ही तर्ज पर पाकिस्तान में प्रेसिडेंट रूल सिस्टम लाना चाहते हैं और बतौर पाकिस्तान के राष्ट्रपति वो पाकिस्तान के विदेश मामले और पाकिस्तानी फौज को अपने हाथ में रखेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पास सिर्फ देश की आंतरिक सुरक्षा की कमान ही रह जाएगी। न्यूज 18 इंडिया को खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जनरल बाजवा के इस प्लान को अमेरिका का समर्थन हासिल है, क्योंकि अमेरिका चीन को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान को वापस अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इमरान राज में अमेरिका और पाकिस्तान के बीच तल्खियां काफी बढ़ गई थी। लिहाजा अमेरिका जनरल बाजवा पर इतना मेहरबान है और अगर जनरल बाजवा अमेरिका की मेहरबानी से पाकिस्तान के राष्ट्रपति बन गए तो वो जनरल अयूब खान, जनरल याहिया खान, जनरल जियाउल हक और जनरल परवेज मुशर्रफ के बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति पद पर गद्दी नशी होने वाले पांचवें जनरल होंगे।